कांग्रेस के पीसीसी सचिव ललित बोरीवाल ने कपासन स्थित माताजी के मंदिर के पीछे एक निजी मकान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की पत्रकारों से रूबरू होकर बताया अपनी मन की बात। बोले, ठेकेदार द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते निष्ठावान कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर से टिकट वितरण के लिए जो सर्वे करवाए जाते हैं उसे दरकिनार किया गया। पार्टी के लगभग 7 प्रकार के पर्यवेक्षक आए, उन सभी ने मेरे प्रति पूर्ण विश्वास जताया। अब पूरी विधानसभा के लोगों ने भी मेरा पूर्ण समर्थन किया है। इस बात की पुष्टि आज भी आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की जा सकती है। लेकिन बावजूद पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग एवं अनुशासनहीनता जैसी बातें करने वाले पर पार्टी ने विश्वास जताया। इसके पीछे एक समाज के ठेकेदार का हाथ है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की महंगाई राहत कैंप के दौरान कपासन विशाल जनसभा आयोजित हुई, जिसमें मेरे द्वारा सभा को सफल बनाने में आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। ये कपासन क्षेत्र की जनता जानती और महसूस करती है। का जो वितरण हो जाता है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम हम लोग जो संगठन के प्रति निष्ठावान है हम लोग नहीं करते हैं, ना मैंने किया। बाकी कई जगह ऐसा हो रहा है कि वापस अपना कई जगह क्यों, मैंने आपको अभी बताया ना, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जब आनंदीराम खटीक को टिकट दिया तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी बने उन्होंने, आप सब लोगों को पता है और वीडियो भी सोशल मीडिया पे अभी भी आप देखोगे तो मिल जाएगा कि वहां मीटिंग बुला के जो तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए, उनको चोर बताया गया और जो तत्कालीन सांसद थी हमारी गिरिजा व्यास उनको जो भी बहुत भला बुरा कहा, उनको गालियां दी और उनको बेईमान बताया गया। तो जो निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं मैं ऐसा कार्य कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं करता। उन्होंने जो किया है और कांग्रेस पार्टी के प्रति वर्ष 2013 के चुनाव में और 2018 के चुनाव में जो कार्य किया है वो सब जग जाहिर है और आप सब लोग उसको जानते हैं, उसका मैं ज्यादा चर्चा करके बताना उचित नहीं। 2013 और 18 में जब टिकट इनको नहीं दिए, आरके जावा और आनंदीराम चुनाव लड़े तो ये चीजें चर्चा है कोई 10 साल क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो मैंने मेरे जो मन की जो बात थी वो सब आप लोगों के माध्यम से साझा की है और जब 2018 में आनंदीराम को टिकट दिया गया, वो उनके घर पे गया, तब उन्होंने जो ऑडियो और क्लिपिंग और अभी आपके सामने चल रही है कई प्रकार की, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का वोट भी मेरे कहने से नहीं मिलता है। तो फिर कार्यकर्ताओं ने जिसके लिए कहा, कार्यकर्ताओं ने जो मांग करी है उस मांग को आप 50 कार्यकर्ताओं से जाके पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जब प्रत्याशी ने खुद ही अपने आप को इस सब चीजों के सामने बता दिया है तो ये राजनीति के रूप में ये बातें किस तरफ इशारा कर रही है और किस तरफ जा रही है ये सब आप लोग सब लोगों को अपने आप में महसूस हो रहा है। इसके संबंध में मैं कुछ और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता।